हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो मज़े में होंगे। और अभी मैंने वीडियो शुरू की है अपनी दोपहर से। दोपहर का खाना पीना हो गया था, उसके बाद अभी ये चूल्हे कुलचे लाया है। अक्की इन्वेटर में कुछ ख़राबी आ रही थी तो उसे दिखाने के लिए गए थे, तो यही वहीं से लाया है। छोले और कुलचे बहुत टेस्टी लगते हैं नहर के। और अभी मैं नहाने के लिए जा रही थी दोपहर का काम निपटाने के बाद, क्योंकि मेरे कपड़े तो सारे गिल्ले हो गए थे। और अब की बार तो इतनी बारिश हो रही है कि इतनी बारिश कई सालों बाद हुई है शायद, और सब जगह इतने पानी ही पानी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जिया को बोली थी कि मैं तो कपड़े गिल्ले हो रहे हैं, मेरे कपड़े ला के दे देगी ना, मैं नहा लूँगी। और एक मैं छतरी भी मंगवा रही थी, क्योंकि बाथरूम से आने में ही कपड़े फिर से दोबारा से गिल्ले हो जाएंगे, तो एक छाता भी मैं बाथरूम में ले कर जाऊँगी। तो बस अभी नहाने के लिए चलती हूँ। किट्टू लग रही है साफ सफाई में, और हम खा रहे हैं स्नैक्स। मैं भी खाना, और ये हमारी दीवार का डिजाइन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा। तो फाइनली ये साड़ी आज तैयार हो गई। 3 दिन से मैं इस पर फॉल लगा रही थी, आज फॉल लगी है, क्योंकि कभी कुछ काम लगा ही रहता था, मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, पर आज मैंने इस पर फॉल लगा के दम लिया। हाय गाइस, तो ये साड़ी पर मैंने लगाई है फॉल, और अब इसको मैं बांध दूंगी सोमवार में या फिर तीज पर। हरे कलर की सावन में हरे हरे कलर की चूड़िया, हरे हरे कलर की साड़ी। तो बस ब्लाउज मैंने नहीं पहना है, ऐसे ही देखा रही थी तैयार करके। तो अभी मैं बाल्टी टांग रही हूँ नीचे, दूध निकालने का टाइम हो रहा है, और फिर मौसम भी ऐसा ही है, बारिश का होने लगे, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है बारिश का, तो इस वजह से जल्दी निकाल लेंगे। अभी तो बंद है बारिश, तो दूध निकाल लेते हैं तब तक। और अभी मैं बाल्टी लटका रही हूँ, उसके बाद फिर अभी शाम का खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। दलिया बनेगा और सब्जी तो पता नहीं बनेगी या नहीं, क्योंकि आज सबके लिए दलिया ही बनाऊंगी। और सब्जी हमारे यहाँ छोंक की नहीं जा रही, क्योंकि जल लेने के लिए गए हैं, तो जीरा भून के रखा हुआ है, उसी को डाल लेते हैं सब्जी में। जब तक जल नहीं चढ़ेगा तब तक सब्जी में छोंक नहीं लगाया जाएगा। और बस अभी देखती हूँ दलिया बनाऊँगी, भून के रख रखा है पहले ही, और उसके बाद जिसको खानी है रोटी मक्खी खा लेंगे उसके साथ में ही। मक्खी उड़ाइंग अभियान, मक्खी बरसात में इतनी आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से छत्ते का छत्ते आ रहे हैं मक्खी के। किस किस के घर आ रही है मक्खी बताना, हमारे घर में तो सारे दुनिया की आ रही। जम रही है, गर्माई माव है यहाँ बारिश में। और ये देखिए बारिश फिर से आ गई थी, तो मम्मी कुट्टी सकेर रही है बारिश में जम जाएगी नहीं तो, ये तो इसको एक जगह कर देंगे। और पापा जी दूध निकाल रहे हैं भैंस का, और गाय का निकल चुका है। और बारिश तो कभी भी आ जाती है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। गमले हमने इस तरह रख दिए छिद्दे छिद्दे सारे, क्योंकि बहुत ही भीड़ हो रहे थे, और उनमें ना तो धुला था अच्छे से, ना झाड़ू लगे थी ना वाइपर, तो हमने ये अलग अलग कर दी। चल मार दो, हाँ यहाँ तेरे चच्चा कौड़ लेकर तो जाने रहा। ये बच्चे हमारे हैं पागल, देखिए से डरा रहा कट्टे को, एक चोट बना रही कट्टे का। बारिश अभी फिलहाल बंद हो चुकी है, और अब की बार तो बस सब ये इंतज़ार में है कि कब राम जी खुलेगा, बारिश कब होनी बंद होगी, क्योंकि गांव में भी सब जगह पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि बाढ़ आने के चांस हो रहे हैं।
योगेश योगेश अमन बोले अमन के टंग अमन बोले की नहीं 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 लुक एट स्टोव अनु अनु बोल स्टोव स्टोव बोल आवाज भी जा रही है मीडियम में स्टोव मीस स्टोव मच स्टोव मच अरे जा जब से जा रहा खुद ही चढ़ रहा अम्मा ये बफेलो भैंस कबूतर भी है तो ये भी जरूरी रहने के जब से फोन आए सब कम होगा अरे जनता को तो सुविधा होगी फोन से पहले हमारे यहाँ इतने आते जब बार बार तुम बोल रहे हैं और ये मकान तो बन गया था जबकि बात है मैं किया जी मां से बिल बसवा रखा था और तो हमारा और बिजली बागरी बहुत देर की पंखा बंद कर दो अभी केंद्र को लाइट बना कर बिट्टू आ सारा सामान आ जाए जब केंद्र पर बसवा दे फिर वो साहब को चोरी बता दे फिर ना उनको ज्यादा निकल का फिर ना मारा तो बहुत बड़ा सांप का बोल चोरी आ जाए वो बैठा और तो कहने लगी सांप 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 अंधे हो जाएं जट्ठे से सांप देखने से अंधे हो जाएं जट्ठा बड़ा खोजो सबसे बड़ा तो सांप अंधे हो जाएं देख कर जट्ठे को जाकर सड़क का फंड लगा दो अब बताना किसी को सांप को दिखे तो मालूम हो जाएगा बहुत जबरी तो ना मेरी फटी टूट गई थी तो नहीं जिंदा के घर में आड़ा रखा है सब्जी में चौकनी लगा जाएगा तो सब दलिया से नमक की रोटी खा रहे हैं और मैं पके आम में नमक मिर्च मसाला डाल के चटनी सी बना के तब खाऊंगी हम भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 5, ये देखिए सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो मंदिर जाने की तैयारी है और अभी फिलहाल लाइट आ रही है तो मैं प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करने के बाद नहाऊंगी फिर मंदिर जाएंगे। तो जी ये वीडियो मेरा आज सुबह का है 5 बजे का और मैं कर रही हूँ प्रेस और तैयारी कर रही हूँ फिर मंदिर जाने की। हम 4 या 4:30 बजे उठ जाते हैं और सुबह के काम अपने झाड़ू वगैरह करके नहा धो के फिर मंदिर जाते हैं। तो वो आपके साथ में मैं मंदिर की जो वीडियो है कल शेयर करूँगी या फिर मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर आप सबके साथ में शेयर करूँगी अगर टाइम लग गया तो। तो इस वीडियो को इसी के साथ एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।
इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी मस्त फैमिली के नाम से ही है, तो फॉलो कीजिएगा।